हम बात कर रहे थे डिसलेक्सिस की, तो जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे बी है ऑपोजिट है, सी भी ऑपोजिट है, तो इस तरह से बच्चा जो है वर्ड को नहीं समझ पाता, तो प्रॉब्लम होती है वर्ड फॉर्मेशन को बनाने में। एप्पल लिखा हुआ है तो पी भी उसका उल्टा नजर आता है। तो ये आपने तारे जमीन पे जो आपने मूवी देखी होगी उसमें आपने देखा होगा बच्चे को प्रॉब्लम थी, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था वर्ड फॉर्मेशन को। सो डिसलेक्सिस जो है वो काफी बड़ी प्रॉब्लम बच्चों में, डेवलपिंग बच्चों में होती है, इस तरह की जिसमें बी और पी में डिफरेंस नहीं है, एम और डब्ल्यू का हो जाता है। देयर इज डिफिकल्टी इन द एक्विजिशन ऑफ नेसेसरी लैंग्वेज स्किल्स पर्टेनिंग टू रीडिंग राइटिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो बच्चे में रीडिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है, राइटिंग में भी आएगी और सुनने में भी आएगी, लिसनिंग में भी एंड बोलिंग। तो ये सारी डिफिकल्टी एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती है। सो दिस ऑर्डर इज अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग प्रॉब्लम। बेसिकली क्या होता है कि जब हम भी म्यूट योरसेल्फ, समवन इज ऑन, यस, सो व्हाट हैपेंस कि बेसिक प्रोसेसिंग नहीं होती ब्रेन में। व्हेन वंस यू स्पीक टू द चाइल्ड, इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन में गई लेकिन ब्रेन में प्रोसेस नहीं हुई और इसलिए उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, या फिर इंफॉर्मेशन गई ब्रेन में, प्रोसेसिंग हुई लेकिन उसका कोई उसको मीनिंग या अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई इसलिए भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बेसिक द प्रॉब्लम इज प्रोसेसिंग, इनर प्रोसेसिंग, आपके ब्रेन के अंदर जो प्रोसेसिंग है उसमें प्रॉब्लम होती है। सो द प्रॉब्लम इज इन द एरिया ऑफ द ब्रेन that helps in the interpretation of the language. So here we say auditory sensation or visual symbols to convey information. Auditory ho gaya aapke ear se jo aap sunte ho, visual ho gaya jo aap dekhte ho, to aapne jo dekha means jo padha aapne ya aapne jo suna uski jo processing hai wo brain mein nahi hui aur acche se nahi hui, ya keh sakte hain jo samajh nahi aayi aur iske aage response nahi aaya. So there is a reading problem, difficulty in writing is there, understanding problem is there, and there is difficulty in saying what is to be conveyed. उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या convey हो रहा है. Mute yourself, someone is on, please mute yourself. So basically a language based disorder is this. इसमें language formation में problem होती है. There is a failure of a portion of the brain improperly recognizing and processing certain symbols. ठीक है, आपके ब्रेन में जो भी सिंबल्स हैं उसकी प्रोसेसिंग नहीं हो पाती। लाइक अगर लिखा हुआ है पी, पी जो ब्रेन में जा रहा है कभी वो उल्टा नजर आ रहा है कभी सीधा नजर आ रहा है, तो उसको वो पी को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा और पूरे वर्ड फॉर्मेशन नहीं हो पा रही है। देन लेकिन ऐसा भी नहीं है, दिस इज कई बार होता है कि बिल्कुल जब छोटे होते हैं तो प्रॉब्लम होती है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो प्रॉब्लम इरेडिकेट भी हो जाती है। तो स्पेशल केयर अटेंशन प्रैक्टिस करवाई जाए उनकी, उसकी सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है ऑडिटरी है या विजुअल है उस पर काफ़ी फोकस करना पड़ता है। सो देयर आर सम फेमस पीपल ऑल्सो लाइक अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनको भी डिसलेक्सिक था। देखिए इतने बड़े साइंटिस्ट रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, वॉल्ट डिस्नी, बेसिकली बच्चे इंटेलिजेंट है लेकिन प्रॉब्लम इज देयर। वॉल्ट डिस्नी में भी थी, टॉम क्रूज, मैजिक जॉनसन, ये सब जो लोग हैं इनमें डिसलेक्सिक था। सो नेक्स्ट इज डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया में क्या है, डिस मीन्स डिसऑर्डर एंड कैल्कुलिया मीन्स दिस मैथमेटिकल न्यूमेरिकल वर्ब, तो ये सारी जो न्यूमेरिकल मैथमेटिकल पार्ट है उसमें प्रॉब्लम। तो इसमें भी लर्निंग जो डीलिंग है, लर्निंग है नंबर्स के साथ वो नहीं बच्चा कर पाता। डिसलेक्सिया वी आल्सो डायग्नोस्ड एज डिसकैल्कुलिक और वाइस वर्सा। देखिए डिसलेक्सिया हमने क्या, लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज में प्रॉब्लम है डिसलेक्सिया है तो हो सकता है आपको या बच्चे को डिसकैल्कुलिया भी हो, मीन्स लैंग्वेज में प्रॉब्लम है इस कारण उसकी मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी है, और वी कैन से डिसकैल्कुलिया है कि वो मैथमेटिकली उसे नंबर्स की प्रॉब्लम है इस कारण उसकी जो रीडिंग है या वर्ड फॉर्मेशन है उसमें भी प्रॉब्लम है। तो हम देखते हैं जैसे मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं तो उसमें नंबर्स तो होते ही हैं लेकिन टेक्स्ट भी होता है, प्रॉपर वर्ड्स होते हैं, प्रॉपर सेंटेंसेस होते हैं। अगर रीडिंग में प्रॉब्लम आएगी तो बच्चा
पूरे सेंटेंस को रीड भी करेगा तो उसे समझ नहीं आएगा, सिर्फ नंबर्स नंबर्स दिख रहे हैं उसको लेकिन पूरी रीडिंग नहीं समझ आ रही, तो क्या होगा, वो समझ ही नहीं पाएगा कि प्रॉब्लम क्या है, क्या न्यूमेरिकल है. तो इसलिए डिसलेक्सिया के कारण डिसकैल्कुलिया भी हो जाता है, तो उसके फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं आ पाएगी क्योंकि उसे समझ ही नहीं आएगा कि लिखा क्या हुआ है, तो फिर वो अकेले नंबर्स को कैसे वो डील करे, उनको क्या करे, उसे बिल्कुल समझ नहीं आएगा. तो इस तरह उसका मैथमेटिकल पार्ट भी स्लो डाउन हो जाएगा. So it's essential for a dyscalculia child for being affected with dyslexia or vice versa. ज्यादातर आप देखेंगे जो dyscalculia वाले बच्चे हैं उनको dyslexia होता ही है क्योंकि उन्हें ज्यादा रीडिंग की प्रॉब्लम होती है, इस कारण भी वो न्यूमेरिकल पार्ट को नहीं कर पाते. सो देन कम्स dysgraphic और kinesthetic dyslexia. So here is the controlling a pen or pencil. ये आपकी motor skills के बारे में आ जाता है. इसमें क्या है कि बच्चा अच्छे से pen को hold नहीं कर पाता, तो pencil को hold नहीं कर पाता, उसे लिख नहीं पाता. Causing his disability in the terms of writing something on the paper or board. तो जो भी उसे लिखना है, उसे लिखने में problem आएगी, तो इसको हम कहेंगे kinesthetic dyslexia. Means उसकी kinesthetic का जो मैम, sorry, मैम page slide नहीं हो रहा. हाँ अभी नहीं कर रहे, अभी पेज वही है, सेम है, इट्स नॉट गोइंग ऑन. सो डिसलेक्सिया में, किनेस्थेटिक डिसलेक्सिया में आपका क्या होगा कि बेसिकली आपके मोटर कोऑर्डिनेशन है. देन विजुअल डिसलेक्सिया में आप अच्छे से देख नहीं पाओगे, मींस अगर नाइन लिखा है तो वो आपको पी नजर आ रहा है या पी है तो क्यू नजर आ रहा है. ऑडिटोरियल डिसलेक्सिया जो होगा उसके आप अच्छे से सुन नहीं पाएंगे, ठीक है. So the causes of dyslexia is like genetic है, hereditary भी factors हैं, या फिर physiological factors जैसे हमने किए कि brain damage है या injury हो गई है, या कोई biochemical imbalance है body में वो आ जाता है. Environmental factors आ जाते हैं, poor nourishment है, अच्छे से mother को खाना नहीं मिला है, या फिर drugs का use जो हमने already just किए हैं almost के same ही होते हैं. So, how we can identify the learners with dyslexia? So, just observation है, वो symptoms हमें नजर आ जाएंगे, उनके reading writing में properly word formation नहीं कर पाएंगे. कुछ screening है through the use of testing programs हैं, proper test बने हुए हैं, जैसे कि Stanford Binet Intelligence Scale है, IQ test भी हो जाता है, Master Free Visual Perception Test, Test for Auditory Perception, इस तरह के number of tests हैं जो आपकी book में mention है. So how to take care of dyslexia? So preventive measure is कि वही आपका starting आपकी अच्छी nourishment, diet, सारी जितने भी physical exercise ये सब होनी चाहिए, injuries वगैरह नहीं होनी चाहिए, drugs नहीं लेनी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें हमें prevent करती हैं कि इस तरह की problem ना हो. और remedial measures में तो वही है कि आपको जो बच्चे हैं उनको individualized पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, उन्हें teach metacognitive strategies. You should provide direct instruction in language analysis. ठीक है, हमें बिल्कुल हर चीज़ को बहुत बारीकी से तोड़ तोड़ के पढ़ाना पड़ेगा. कुछ टेक्निक्स हैं जो कि उनको जो भी मटीरियल है, जो भी पढ़ाना है उसे एक कंक्रीट मटीरियल की हेल्प के थ्रू आपने पढ़ाना है, ठीक है. सो मेक द यूजफुलनेस ऑफ मेटा कॉग्निटिव स्किल्स एक्सप्लिसिट इन रीडिंग एंड मेकिंग प्रैक्टिस देयर. देन मेन गोल होना चाहिए कि बच्चों की रीडिंग स्किल बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है, उन्हें समझ आना शुरू हो जाए. एंड देन राइटिंग, वो ज़्यादा जितना लिसन करेंगे और उसको इंटरप्रेट करेंगे, आपको बहुत ड्रिल और प्रैक्टिस की ज़रूरत है. तो टीचर इसके स्पेशल एजुकेटर्स भी होते हैं जो उनको प्रॉपर मेथड पता होता है, ठीक है. देन कम्स लर्निंग विद इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी और मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन. सो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन आ जाते हैं स्लो लर्नर या जो भी लर्निंग डिफिकल्टी है उससे भी नीचे, ठीक है. उनका आई क्यू लेवल जो है बहुत ही नीचे होता है, बहुत लो होता है, इतना वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. सो द चिल्ड्रन हु आर हैंडीकैप्ड और डिसेबल्ड इन टर्म्स ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ देयर मेंटल एबिलिटीज और कैपेसिटीज इन द सेम सेंस एज द फिजिकली हैंडीकैप्ड डेमोंस्ट्रेट देयर इनएबिलिटीज और इनकैपेसिटीज इन performing some or the other physical functions. So basically mentally retarded या physically ठीक है, लेकिन
उसकी जो मेंटल एबिलिटीज है, जो मेंटल कैपेसिटीज है, उसमें उनकी प्रॉब्लम होती है. सो हियर आर सम ऑफ द डेफिनेशंस आर देयर इन योर बुक. लाइक जी डी पेज ही सेज दैट मेंटल डेफिशिएंसी और रिटार्डेशन इज अ कंडीशन ऑफ सबनॉर्मल मेंटल डेवलपमेंट प्रेजेंट एट बर्थ or early childhood and characterized mainly by limited intelligence and social inabilities. ठीक है, by birth होते हैं mentally retarded basically, और उनका mental development बिल्कुल नहीं हुआ होता, बहुत कम होता है. और ये बच्चे जो होते हैं उनकी intelligence बहुत कम होती है और social ये नहीं होता. ठीक है, British Mental Deficiency Act ने कहा है mental retardation is a condition of arrested or incomplete development of mind existing before the age of 18 years, whether arising from inherent causes or induced by disease or injury. वही है कि आप या तो by birth हैं या आपको कोई disease होगी या कोई injury होगी, उस कारण जो है mentally बच्चा develop नहीं हो रहा है. So mental retardation is a condition of state of mind. It is not a disease or illness. It is related to the subnormal development of the mind. It also related to one's inadequate adjustment with the environment. This deficiency may be observed at birth or in early childhood. Both the inherent or external factors may cause mental retardation. A number of definitions are there regarding mental retardation. So finally, we can conclude that mentally retarded or disabled children are those children who suffer from the retarded subnormal or deficient growth and development of their brain, affecting their intellectual capacities to the extent that they feel handicapped in their adaptation to the environment and thus require special care and provision for their welfare and development of their capacities. इन बच्चों को बहुत special care जरूरत होती है ताकि वो थोड़ा बहुत develop होकर कोई skills सीख सकें, ठीक है, और वो रह सकें, अपनी कैपेसिटीज को थोड़ा बहुत डेवलप कर सकें. बट बेसिकली दे नीड प्रॉपर केयर एंड अटेंशन और ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं. तो दे आर आर मेनी स्कूल्स ऑल्सो मेंटली रिटार्डेड स्कूल जहाँ पे बच्चों को उस हिसाब से पढ़ाया जाता है. सो टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हम कहेंगे या मॉडरेट है या सीवियर. तो जो माइल्ड है मेंटली रिटार्डेड जो होते हैं, मोर देन 85% ऑफ किड्स विद दिस डिसेबिलिटी फॉल इन दिस कैटेगरी एंड हैव नो ट्रबल अंटिल शॉर्टली बिफोर हाई स्कूल. ठीक है, तो ज़्यादातर आप देखेंगे 85 माइल्ड होते हैं, वो ज़्यादा नहीं है बहुत है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे इसमें होते हैं 85% ऑफ माइल्ड लेवल के मेंटली रिटार्डेड, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती. देन कम्स द मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसमें आ जाता है फॉलिंग अंडर द आईक्यू रेंज ऑफ 36 एंड 49. They constitute about 10% of the children that are affected with intellectual disability. So moderate में थोड़ा सा level high हो जाता है mental retardedness का. And severe में क्या है, बहुत ज़्यादा बच्चा बिल्कुल mentally retarded है, उसका IQ 20 से 35 तक है. These kids are in a minority of 3-4%. सिर्फ आप देखेंगे 3-4% की बच्चे ऐसे होंगे. Through extensive training, kids with severe intellectual disability may be able to learn necessary life skills. तो वही उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है ताकि वो लाइफ में जी सके. तो इस तरह से दिस आर द टाइप्स. यस, द फाइनल जो सिवर की बात आ जाता है प्रोफाउंड. प्रोफाउंड जो है वो बिल्कुल ही उससे भी हायर लेवल है, जिसमें ओनली 1-2% ही बच्चे नजर आते हैं इन वर्ल्ड वाइड, जिसमें कभी अल्टीमेटली कभी बहुत स्पेशल स्कूल और स्पेशल केयर करनी पड़ती है. तो वो बच्चे तो खुद अपना पर्सनल लाइफ, अपना पर्सनल काम भी नहीं कर पाते. ठीक है, तो दिस वॉज तो क्लासिफिकेशन भी है इंटेलिजेंस टेस्ट के अकॉर्डिंगली. लाइक देयर इज द कैटेगरी इडियट्स, जिसको हम कहेंगे बिलो 25 उनका आई क्यू होता है, और 25 से 50 के आई क्यू में एम्बिसिल्स कहते हैं, 51 से 75 तक का जो आई क्यू है उसको मोरोन्स कहते हैं, और 76 से 90 तक का जो आई क्यू है उसे बॉर्डर लाइन एंड अदर कहते हैं. और 90 से ऊपर जब आई क्यू होना शुरू हो जाता है तो बच्चा नॉर्मल रेंज में आ जाता है. वैसे ही लर्निंग डिफिकल्टी हो सकती है पर्सन को, लेकिन मेंटल रिटार्डेंस में नहीं आएगा.